महोबा में अधिवक्ताओं ने हापुड़ मामले में न्याय की मांग करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वकीलों के समर्थन में पहुंचे कांग्रेसियों को बेरंग अधिवक्ताओं ने वापस कर दिया। सड़क पर उतरे वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया और साफ शब्दों में कहा कि यदि हापुड़ मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वकीलों का यह प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीते दिनों अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में वकील घायल हुए थे। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। इसी प्रदर्शन के तहत आज वकीलों ने कचहरी परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया और इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही अचानक वकीलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतले को आग लगा दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि वह हापुड़ के मामले में घायल वकीलों को मुआवजा और DMVSP के स्थानांतरण सहित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, तो वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है। वकीलों का आक्रोश इस कदर था कि सड़क पर नारेबाजी की गई और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया गया। हमने जो है उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है और ये हमारी जो हापुड़ में घटना 28/8/2023 को हमारे अधिवक्ताओं के साथ, महिला अधिवक्ताओं के साथ जो मारपीट की है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, कई वकील घायल हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो वहाँ के SP और DM का ट्रांसफर हो और CO के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और जो दोषी कर्मी हैं उनके खिलाफ उनको तो बर्खास्त किया जाए और जब तक हमारे अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग सभी हड़ताल पर रहेंगे। जो पुतला फूंका गया वो सरकार का पुतला फूंका या किसी योगी आदित्यनाथ जी का फूंका गया है। और दूसरी बात है, हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए। जो हमारे पास आ रहे हैं वो अधिवक्ताओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं। हमने कहा कि आप यहाँ से जाइए, ये अधिवक्ताओं का काम है, काले कोर्ट का काम है और काले कोर्ट लड़ने में सक्षम है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे हम, किसी की आवश्यकता नहीं है। सभी अधिवक्ता एक है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। सरकार का पुतला, हाँ बिल्कुल, सरकार का पुतला फूंका गया है और जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होती है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे हापुड़ में जो अधिवक्ताओं के साथ है, जो बर्बरतापूर्ण है, जो मारपीट हुई है, उस पर हम हड़ताल पर हैं। दिन से हड़ताल चल रही है, ये हड़ताल 30/8/2023 से चल रही है। तो व्यक्ति विशेष का फूंका या सरकार का सामूहिक? नहीं, सरकार का फूंका गया है। हाँ। सरकार का फूंका गया है, पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का। जब तक हमारी मांग नहीं होती है तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं कि जिनके खिलाफ पुलिस खिलाफ के FIR दर्ज हुई है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, CO SP DM इनका स्थानांतरण किया जाए और है जो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। पोस्टर चित्र में किसका चेहरा जो है आप लोगों ने फूंका? योगी सरकार का है।